हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी मेरे वैक्सीनेटर दोस्त हैं, कृपया करके इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और फेक वीडियो समझ करके इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी वीडियो यूट्यूबर डालता है तो फेक ही लगता है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है टाइटल पे, 1000 रुपये मिलेंगे, किसको मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, क्या कंडीशन है, मेरे वैक्सीनेटर लोग, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और इत्मीनान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी आप लोग मूर्खता करते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि सर ये बकवास है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन ये इसको नज़रअंदाज करते हुए मैं जो बात कह रहा हूँ इस पर आप गौर कीजिएगा और शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। खुशखबरी है, आपके घर में आपके चाचा, आपके मामा, आपके पिताजी या फिर कोई भी जिनका आधार कार्ड है, जिनका पासबुक है, बैंक अकाउंट है और जिनका जॉब कार्ड है, ये सभी लोग 1000 रुपये के पात्र हैं। जिनका जॉब कार्ड है, जो मजदूरी करते हैं, आप भले ही वैक्सीनेटर में नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आज 30 मार्च को, आज के दिन 611 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों को देने का वादा किया है। वादा नहीं, इन्होंने बैंक में ट्रांसफ़र भी किया है, जिसका लाइव वीडियो शायद आपने देखा भी होगा और न्यूज़ पे सुना भी होगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है और किन किन लोगों को मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जिनका जॉब कार्ड है, जो मजदूरी करते हैं, जो मतलब जॉब कार्ड में जा कर के वर्क करते हैं, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की नज़र में जा कर के जो गांव में काम होता है, जो सड़कों का, खेतों का इत्यादि, अलग अलग नहरों का, जिस जो भी काम होता है ग्रामीण, वो जॉब कार्ड लोग मजदूर जो है वो करते हैं, उनको जो है 1000 रुपये अकाउंट में मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ कह रहा है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो 611 करोड़ रुपए उन्होंने आज ट्रांसफ़र किया है। आपने न्यूज़ सुना होगा, नहीं सुना है तो आप लोग न्यूज़ देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, तब आपको विश्वास होगा और मानेंगे। और जितने भी मेरे वैक्सीनेटर दोस्त हैं, जो ये वैक्सीनेटर में भर्ती हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर पशु विभाग के कर्मचारी बनना चाहते हैं, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन फार्म भरते हैं, जो आवेदन करते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, वे व्यक्ति, देखिए मेरी बातों पर गौर कीजिए, ये कहता है कि ये वैक्सीनेटर की जो नौकरी है या फिर पद है, जो लेवल है, जो अधिकारी लोग हैं, जो पशु विभाग की तरफ से हैं, अगर आपको कोई कहता है कि ये बकवास है, ये फालतू है, उनकी बात को ना सुनते हुए मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी लेवल, कोई भी सरकार की तरफ से ऑफ़र आता है तो वो हमारे हित में होता है, और वो कब उस पर पैसे मिलने लग जाए, कब उसकी सैलरी हो जाए, कब वो परमानेंट हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, तो कोई काम को छोटा या बड़ा समझ करके नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे कमेंट में लिखते हैं कि ये बकवास है, ये वैक्सीनेटर की नौकरी अच्छी नहीं है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, ये 2 रुपये 3 रुपये मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। मैं एक बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कब कौन सी काम सरकारी हो जाए या परमानेंट हो जाए, ये मैं भी नहीं जानता और ये आप भी नहीं जानते। इसलिए छोटे काम को छोटा ना समझ करके उसको, पद को हासिल कीजिए। अगर वैक्सीनेटर में या हेल्पर में आपका नहीं हुआ है तो आप कोशिश कीजिए, जा करके अपने जो डॉक्टर साहब हैं आप उनसे बात कीजिए, जो आपके पशु विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए। अगर जगह होगा तो निश्चित ही आपको रखेंगे, अगर नहीं जगह होगा तो आपको नहीं रखेंगे, मना कर देंगे। तो कोई दोस्त बात नहीं, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और भी पशु विभाग में ऐसे बहुत भर्ती आती हैं, कभी कंपाउंडर की आती है, कभी हेल्पर की आती है, कभी वैक्सीन लगाने वाले की ज़रूरत होती है, तो आप पता करते रहिए, निश्चित ही आपको कोई ना कोई पद आपको मिल जाएगा। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वैक्सीनेटर के वीडियो देखते हैं या फिर मेरे को सब्सक्राइब किए हैं, वे कमेंट में लिखते हैं कि सर आपको वीडियो बनाना नहीं आता, आप बकवास करते हो। मित्र, कोई भी, हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, इस बात को आप समझिए। जिसको जितना आता है उसको उतना
ज्ञान होता है उतना वो बताता है, ठीक है। तो उसमें आप उसको क्यों निगेटिव करते हो, क्यों आप उसको डीमोटिवेट करते हो, क्यों कहते हो कि तुमसे नहीं होगा। अरे दोस्त, कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से नहीं आया है, हर कोई यहीं जन्म लेता है और यहीं सीखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे और आज के बाद से आप किसी भी यूट्यूबर को गलत कमेंट नहीं करेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने फैमिली वालों का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्त कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।